महिलाएं जब गर्भवती होती है तो अक्सर देखा गया है कि उसको यह जानने की बहुत उत्सुकता रहती है कि आने वाला बेबी बॉय है या गर्ल है, और उसको जानने के लिए वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें ट्राई करने लगती है, जैसे कि यूरिन का भी कलर चेक करती रहती है और चाइना कैलेंडर का वो चेक करती रहती है। उसके बाद जो है ना बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं वो आजमाती रहती है अपने ऊपर, फिर भी वो डाउट रह जाता है क्योंकि जो भी पेट में बच्चा है वो पैदा होने के बाद ही पता लगता है असल में कि वो बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो आज मैं आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाती हूँ और मैं एक चीज़ ऐसे शेयर करूँगी जो कि अदरक और लहसुन के स्मेल से भी आप पता कर सकते हैं बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। तो जैसे कि मेरे बेटे के टाइम पे मुझे अदरक और लहसुन की स्मेल कैसी लगती थी वो मैं डिटेल्स में बताऊंगी, और मेरे बेटी के टाइम पे मुझे कैसा फील होता था वो भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ यास्मीन, स्वागत है आप सबका न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, इसको आप जिंजर गार्लिक के स्मेल से भी पता कर सकते हैं। जैसे कि जब मेरी पहली बेटी पेट में थी, मतलब फर्स्ट मेरा बेबी जो है ना बेबी गर्ल थी, तो उसके दौरान जो है ना मुझे प्याज और लहसुन का जो है ना कच्चा वाला जो स्मेल बिल्कुल नहीं लगती थी। तो ऐसा होता था प्याज को जब तेल में डालते थे तो उसका जो स्मेल आती थी वो मुझे बेकार लगती थी। और अगर आप भी अपना जैसे प्रेगनेंसी के दौरान ये फील करते हैं कि जैसे कि प्याज और लहसुन का कच्चा वाला जो स्मेल है आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपको उल्टी जैसे फील हो रही है बट उल्टी नहीं आ रही है, यानी कि कच्चा लहसुन और कच्चा अदरक और प्याज भी साथ में, तो ये सब मसाले का जो कच्चा स्मेल है आपको अगर बर्दाश्त नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आपके पेट में बेबी बॉय होगा, क्योंकि मेरे टाइम पे ये सच साबित हुआ है। तो मेरे बेबी बॉय के टाइम पे जैसे कि 2.5 महीने से लेकर 3.5 महीने के अंदर जो है ना मुझे ये नौजिया वॉमिटिंग की थोड़ी बहुत शिकायत थी। तो कभी उल्टी ऐसे हो जाती थी तो बहुत ज़्यादातर ऐसा होता था कि मैं उकाई लेती थी बट मुझे उल्टियाँ नहीं होती थी। देखिए, बहुत से लोगों को जो है ना अलग अलग सिम्टम्स होती है क्योंकि हर एक की बॉडी में अलग अलग तरीके के हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है जिसके द्वारा जो है ये सब नौजिया वॉमिटिंग की भी शिकायतें अलग अलग तरीके की होती है। अच्छा, तो मेरे बेटी के टाइम पे जो ना एक चीज़ और मुझे दिक्कत होती थी वो है लकड़ी का जो है मतलब खुशबू, वो मुझे बहुत बेकार सी लगती थी। जैसे बारिश होती है या किसी की खिड़की में जैसे लकड़ी का वो फ्रेम लगा हुआ होता है उसमें बारिश टच होने के बाद जो एक स्मेल से लगती है उसको लगने से मुझे ना उल्टियाँ हो जाती थी, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती थी। तो ये भी एक संकेत है। और गरम मसाले की भी से मतलब लगती है, जैसे गरम मसाले में दालचीनी का टुकड़ा है तो उसके स्मेल मुझे बहुत बुरी लगती थी लड़की के टाइम पे, लेकिन लड़के के टाइम पे मुझे ऐसा कुछ नहीं था। लड़के के टाइम पे मुझे जो है ना जो एक मसाला होता है ना स्टार एनिस का, उसका मुझे बहुत ही बेकार स्मेल से लगती थी। तो ये सब चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके भी पेट में बेबी बॉय है फिर बेबी गर्ल है, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये नौजिया वॉमिटिंग वाली और ये जो स्मेल वाली चीज़ है ना इससे भी थोड़ा बहुत पता लगाया जा सकता है 90% तक, बट 100% श्योर कोई नहीं होता क्योंकि आफ्टर डिलीवरी पता चलता है कि। और जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे मीट मछली का भी स्मेल से आप पता कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको मीट पसंद नहीं है, बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे मीट को, नाम सुनते ही आपको उल्टी आ रही है, ये तो समझ लेना कि आपके आने वाला बेबी जो है ना बेबी गर्ल होगी। और अगर आपको मीट बहुत पसंद है, जैसे कि मैं चिकन बहुत खाती थी अपने बेटे के टाइम पर, मुझे चिकन के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता था, जब भी खाने बैठती थी मुझे चिकन टेबल पर होना चाहिए था, अगर नहीं होता था मेरी भूख ख़त्म हो जाती थी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब चिकन खाने का मन हो रहा है और थोड़ा सा स्पाइसी वाला मसाले वाला, तो आपको डेफिनेटली बेबी बॉय होने वाला है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मीठा खाने से लड़की होती है और तीखा खाने से लड़का होता है। देखिए, ऐसे कुछ नहीं है, हर एक के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी को खट्टा खाने का मन होता है तो लड़की होती है, लेकिन मेरे लड़की के टाइम पर मुझे खट्टा खाने का बिल्कुल मन नहीं था, मैं कभी खाती भी नहीं थी ना मुझे दिल करता था खट्टा खाने की। फिर भी देखिए, मेरे को ना बेटी हुई है और उसके टाइम पे ना कैडबरी खाने का मन होता था ना मीठा चीज़ खाने का मन होता था। तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन सा सच है कौन सा झूठ है।
लेकिन हाँ, एक क्यूरियोसिटी की वजह से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा बेबी क्या होगा, बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। वैसे हर एक की ये मतलब कोशिश रहती है, कोई छुपा के रखता है तो कोई ओपन कर देता है। मैं भी जब प्रेग्नेंट थी, मैं काफ़ी सारे वीडियो देखती थी, दिन भर में बहुत सारे ऐसे वीडियो देख देख के ये सोचती थी कि हाँ, ये वाला सिम्टम मैच करेगा तो मेरा डेफिनेटली ये वाला बच्चा मेरे पेट में है। मतलब अगर गर्ल की कोई सिम्टम्स मैच करता था तो ऐसा लगता था हाँ, मुझे ना गर्ल हो जाएगी। फिर बेबी बॉय का कोई सिम्टम मैच करता था, लगता था बेबी बॉय हो जाएगा। तो इस तरीके से हर कोई अपने ऊपर आजमाता रहता है। और जैसे कि जिसको बेबी बॉय है तो उसको तो डेफिनेटली बेबी गर्ल चाहिए होती है ना लास्ट में, और जिसको बेबी गर्ल है पहले तो उसको बाद में बेबी बॉय हो मतलब चाहत होती है, तो ये तो होता रहेगा। और हाँ, एक और राम जी मेथड्स हैं, उससे भी कुछ लोग बोलते हैं कि वो सच होते हैं। तो पता नहीं फ्रेंड्स, राम जी मेथड से मैंने अपने ऊपर आजमाया नहीं, मैंने ना उसके ऊपर कोई वीडियो देखे हैं, लेकिन हाँ, चाइना कैलेंडर का मैंने एक वीडियो देखा, तो मेरा जो कि दो नेम है, तो एक नेम से मेरे को उसमें शो हुआ था कि बेबी बॉय होगा, और दूसरा मेरा जो नाम है उससे जब मैंने उसमें मैच कराया था तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि मुझे ना लड़की होगी। क्योंकि पिछले बार मतलब जैसे आपके नाम से जो उसके चाइना कैलेंडर में आप देखोगे ना, तो उसमें आपका आगे का बच्चा क्या था और आगे क्या होने वाला है वो तीनों दिखाई देता है। तो मुझे उसमें ना सेकंड नाम से ऐसा दिखाई दिया कि मेरा आगे दो लड़की है, और अभी से भी दो लड़की होगी और आगे भी एक बच्चा लड़की होगी। मैं तो टेंशन में पड़ गई, मैंने कहा भैया क्या हो गया इतना सारे मतलब। तो फिर देखिए बाद में वो सब झूठ निकले, तो ऐसा कुछ सच नहीं होता है। लेकिन ये जो अदरक लहसुन वाला यह है ना, यह मैंने बहुत से को सुना है, तो काफ़ी लोगों का ये सच भी हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी देखिए, नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि ऐसा भी हो सकता है, जैसे मुझे लहसुन अदरक की स्मेल बहुत बेकार लगती थी बेटे के टाइम पर, हो सकता है आपको अपने बेबी गर्ल के टाइम पर अदरक लहसुन का जो है स्मेल मतलब बेकार लगती हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप कॉमेंट करके ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा, आप अपना एक्सपीरियंस, आप आपका जो प्रेगनेंसी जर्नी है हमसे शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहना। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाला है, और अभी से रेगुलरिटी बनाए रखूंगी। बीच में कुछ काम की वजह से मैंने वीडियो नहीं डाला था। और हाँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा थंबनेल जो है ना कॉपी ना करें, मैं बहुत मेहनत से मुश्किल से थंबनेल बनाती हूँ। आप लोग मेरा थंबनेल को कॉपी करके उसमें अपने वीडियो पर लगाते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और आप लोग बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग अपना प्रेगनेंसी जर्नी एंजॉय कीजिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, मेरा देखिए फेसबुक पेज पर जो कुछ ही फॉलोअर्स बाकी है, मेरा 1000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज को जो है ना फॉलो करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो।